कल बैठे बैठे मेरे मन में एक सवाल आया कि अगर नारुतो साकुरा का पीछा छोड़ देता तो उसके पीछे तो लड़कियों की पूरी लाइन लगी थी जो कि उसको अपना हम सफर मान चुकी थी, बस नारुतो को एक हाँ बोलने की देरी थी। तो पहले नंबर पर अपनी आती है प्रिंसेस शिज़ुका, जो सिर्फ और सिर्फ नारुतो से ही शादी करना चाहती थी। उसके बाद अपनी आती है प्रिंसेस हरुना, इसने तो नारुतो को एक फुल ओपन ऑफर दिया था कि वो नारुतो के साथ अपने विलेज संभाले। अगले अपने आते प्रिंसेस शोन, जो कि नारुतो के साथ अपना नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़ाना चाहती थी और नारुतो ने उसे कहा था कि वो उसे फुल सपोर्ट करेगा। उसके बाद अपने आती युजत्सु, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देख लेना क्योंकि इसने भी नारुतो के लिए अपनी जान तक सैक्रिफाइस कर दी थी और एक पॉइंट तो यहाँ तक भी आ गया था कि इन्होंने भी कहा था कि वो नारुतो के प्यार में गिर रही है।